दोस्तों ये हीरो मैस्ट्रो स्कूटी है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसका पेट्रोल को कैसे निकालेंगे पाइप से। बहुत भाई ऐसे होते हैं जो, मैं अपनी ही बात बता दूं, शुरू में मुझे ही खुद पता नहीं था कि इसका पेट्रोल कैसे आता है। जैसे कि ये पेट्रोल का पाइप है, ये पाइप जब हम खोलते हैं, तो थोड़ा सा जो ये पेट्रोल नीचे गिरा, ये पाइप में जमा था इसलिए गिरा। अब देखिए ये पेट्रोल यहाँ से जाता है तभी ये बाइक स्टार्ट होती है। तो इसमें क्या होता है कि ये पेट्रोल जो डायरेक्ट इसमें पेट्रोल नहीं जाता है, जैसे कि आप देखते हैं वो सब बाइक में चाबी ऑन ऑफ करने के लिए होता है, इसमें वो सिस्टम नहीं है कि हम पेट्रोल को बंद कर सकें या चालू कर सकें, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये डायरेक्ट होता है, इसका पेट्रोल डायरेक्ट होता है। और ये सिस्टम क्या होता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं जानते, बहुत भाई ऐसे ही जो नहीं जानते। या मैंने आपसे कहा कि मुझे भी नहीं पता इसके बारे में, जब मैंने पहली बार खोला था इसका कार्बोरेटर साफ़ करने के लिए, तो सोचा कि मैं यहाँ से पेट्रोल निकालूँ। तो पेट्रोल निकालने का शुरू किया तो पेट्रोल नहीं निकलने लगा, तो मेरा दिमाग काम नहीं करने लगा, यार मैं क्या करूँ कि पेट्रोल नहीं निकल रहा, क्या बात है। तो फिर मुझे दिमाग में एक बात आई कि मैंने TVS का जो फ्लेम होती है बाइक, उसमें भी यही कनेक्शन है। TVS फ्लेम का भी दोस्तों जस्ट यही कनेक्शन है। तो उसका मैंने एक बार काम किया था, तो मुझे ख्याल आया ओह वही सिस्टम होगी इसमें भी। तो समस्या ये होती है इसका पेट्रोल कैसे आता है। देखिए ये एक पाइप है, एक ये पाइप है, ये आप देखते हैं है, ये जो कार्बोरेटर का हेड वाला जो पाइप है इसमें ये लगा हुआ होता है, और ये पाइप दोनों साथ में ही आया हुआ है। देखिए ये इसका पेट्रोल टी है टंकी का, ये टंकी है और नीचे पेट्रोल टी लगा हुआ है, यहाँ से दो पाइप होता है, ठीक है भाई। मैं आपको बिल्कुल बता दे रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगे कि ये वीडियो बिल्कुल यार मेरे लायक नहीं है, ये बेकार है, हम तो जानते हैं, तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि आप ना देखें। अगर आपको तकलीफ़ लगे तो आप बस शेयर कर दें भाई। मैंने कई बार बोला है, अगर आपको ऐसा लगे कि ये वीडियो मेरा जाना हुआ, ये यानी कि इस तरह का काम मैं जानता हूँ, तो हम क्या देखेंगे इस वीडियो को, तो आप नहीं देखें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे शेयर ज़रूर कर दिया कर, आप प्ले करके बस छोड़ दिया कर, क्योंकि मेरा व्यू आ जाता है उसमें, ठीक है भैया। तो अगर नहीं जानते हैं तो बस बता दे रहा हूँ, ज़्यादा हम बकवास नहीं करते हैं, जितना काम होता है बस उतना ही बताते हैं, ज़्यादा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये दो पाइप जो आया हुआ है, अब ये देखिए ये जो पाइप यहाँ से निकलता है, ये आप इतना जानते हैं कि जब इंजन स्टार्ट होती है तो कार्बोरेटर से क्या होता है एयर खींचता है, समझ रहे ना भाई। जब किक या सेल्फ कुछ भी जो दबाते हैं, और जब पिस्टन मेरा आगे पीछे होता है या बल्ब आगे पीछे होता है, तो उस कार्बोरेटर की तरफ से क्या होता है कि एयर खींचता है और सलेंसर की तरफ से फेंकता है, समझ रहे ना भाई। हाँ, तो वही सिस्टम है कि जब ये एयर को खींचता है ना, जब हवा खींचता है इधर से, तो वहाँ से पेट्रोल चालू होता है। वहाँ पे वही चीज़ दिया गया है, जब हम यहाँ से खींचेंगे, इधर से हम हवा खींचेंगे, तो वहाँ से पेट्रोल आना शुरू हो जाएगा। ये कनेक्शन होता है, तभी हम जो किक मारते हैं तो इधर से क्या होता है, वो हवा से खींचता है, तभी यहाँ से पेट्रोल आना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस पाइप को भी खोल के, देखिए इसको हम खींचेंगे, दूसरे वाले पाइप को हम मुंह से खींचेंगे, तो उधर से पेट्रोल आना शुरू हो जाएगा। देखिए देख रहे भाई, जैसे पेट्रोल आना शुरू हो गया, इस पाइप को हम लगा देते हैं, पेट्रोल बर्बाद हो रहा है। यानी यह सिस्टम होता है, अब जब भी आप कार्बोरेटर साफ़ करने के लिए आप पेट्रोल निकालेंगे, तो यहाँ इस तरीके से निकाल सकते हैं, इस पाइप को हवा से आप खींचें अंदर की ओर, तो यहाँ से पेट्रोल निकलना शुरू हो जाएगी। और बाइक जब कभी भी अगर स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो, आपको चेक करना है कि पेट्रोल है कि नहीं है, तो आप यहाँ से इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि पेट्रोल आता है या नहीं।
भाई जिसे मालूम नहीं होता वो सोचने लगते हैं यार इसमें तो पेट्रोल ही नहीं आ रहा तो स्टार्ट कहाँ से होगा, ये सोच लेते हैं मन में, है ना भाई। तो इतना ही जानकारी देना था मुझे। थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को पसंद किए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।